हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं मेजरमेंट वन, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर। इस सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। ये आपका लेक्चर 5 है। टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग देखेंगे कितने टाइप का एरर होता है। इससे पहले हम लोग एरर पढ़ चुके हैं। एरर क्या होता है? इट इज़ द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। तो एरर इज इक्वल टू क्या होता है? AM-AT, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हम लोग देखे थे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग देखेंगे तीन टाइप का एरर होता है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रेंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो है फिर वो तीन टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशन एरर। तो वन बाय वन करके हम लोग सभी टाइप्स ऑफ एरर को देखेंगे। तो ग्रॉस एरर में क्या होता है? ग्रॉस एरर जो प्रोड्यूस होता है वो हम लोग जो ह्यूमन बींग हैं उसके द्वारा होता है, जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके द्वारा जो एरर प्रोड्यूस होता है। और किस तरह का एरर हम लोग हो सकता है? जब आप रीडिंग लेते हैं उस समय कुछ गलती हो जाएगा, डाटा रिकॉर्ड करने टाइम में कुछ गलती हो जाएगा। तो इस तरह का एरर जो है ह्यूमन बींग के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सिस्टमैटिक एरर जो है तीन टाइप में हम लोग क्लासीफाई किए। इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर क्या हो गया? ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट कमिंग मीन्स इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी आ जाने के कारण जो आपका एरर आता है, या मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का आप ज़्यादा यूज करते हैं, या लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस वजह से क्या होगा, जो एरर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट एरर। इन्वायरमेंटल एरर में क्या हो जाएगा? जैसे कि इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल है, ह्यूमिडिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होगा वो आपका इन्वायरमेंटल एरर हो जाएगा। और ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या हो जाएगा? ऐसा एरर जो ऑब्जर्वेशन करने के टाइम में आपको प्रोड्यूस करता है, जैसे कि साउंड और लाइट का जब आप देखते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे साउंड एंड लाइट के प्रेजेंस में, तो जितना भी एक्सपेरिमेंटर है उसका क्या होगा, रीडिंग वैरी कर जाता है, कुछ ना कुछ वैरी करता है। आप अपने लैब में ही रीडिंग लेते हैं तो एक ग्रुप का कुछ रीडिंग आता है, सेकेंड ग्रुप का कुछ और रीडिंग आता है, डिफरेंस बहुत कम का ही होगा लेकिन कुछ ना कुछ आपको आता ही है। तो ऑब्जर्वेशन के टाइम में जो एरर आएगा उसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर बोलेंगे। नेक्स्ट है रेंडम एरर। रेंडम मीन्स अचानक, अचानक जो है कोई एरर प्रोड्यूस होता है। रेंडम एरर आर दोज एरर हुज कॉज कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अचानक ये एरर आता है, इसका हमको पहले से अनुभव नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं ग्रॉस एरर क्या है। ग्रॉस एरर ऐसा एरर है जो एक्सपेरिमेंटर कहने का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट को करता है उसको एक्सपेरिमेंटर बोलते हैं, या ह्यूमन बींग बोलिए, हम लोग जो ह्यूमन बींग हैं उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एरर। दीज टाइप्स ऑफ एरर मेनली कंप्राइजेज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरमेंट रिजल्ट। इस तरह का जो ग्रॉस एरर है वो ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है। जैसे कि जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग लेने में कुछ गलती कर दें, या डाटा को रिकॉर्ड करने में कुछ गलती हो जाए, या फिर आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे कुछ गलती हो जाएगा। द एक्सपेरिमेंटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एरर। जो एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो आपका, जो हम लोग जो हैं, जो ह्यूमन बींग हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस एरर के लिए। सम ग्रॉस एरर आर मेनली डिटेक्टेड वाइल सम आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। कुछ ग्रॉस एरर को हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको ये कर पाते हैं कहाँ पे फॉल्ट आया है, लेकिन कुछ एरर को हम लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं, डिफिकल्ट होता है उसको डिटेक्ट करने में। कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट एंड इम्प्रॉपर अप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन लीड्स टू ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का क्या मुख्य वजह हो सकता है? कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स मीन्स जब आप कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे कुछ गलती आ जाता है, या इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट जब आप इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करते हैं, आप कनेक्शन करते हैं वायर का तो वहाँ पे आप कुछ गलती कर देते हैं, या फिर इम्प्रॉपर अप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का आप गलत तरीका से यूज करते हैं। तो ये सब वजह होता है ग्रॉस एरर प्रोड्यूस होने का। दीज एरर्स कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग ग्रेट केयर इन रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग द डाटा। ग्रॉस एरर को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं?
तो जब हम लोग रीडिंग लेते हैं उस समय में हम लोग केयरफुली रीडिंग लेंगे, या जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो केयरफुली रिकॉर्डिंग करेंगे, या क्या करेंगे, तीन चार डाटा लेंगे और उसका जो मिड वैल्यू होगा, एवरेज वैल्यू होगा, उसको हम लोग पिक कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एरर रिड्यूस होगा, ग्रॉस एरर रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होगा एरर। सिस्टमैटिक एरर हम बताएं तीन टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इंस्ट्रूमेंट एरर जो है कैसे प्रोड्यूस होगा, इंस्ट्रूमेंट में जो खराबी आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट कहने का जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर, आपका मोबाइल वो भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ही है। तो एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ये सब क्या है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी, शॉर्ट कमिंग मीन्स खराबी, कुछ खराबी इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा, उसके कारण जो प्रोड्यूस होगा वो आपका इंस्ट्रूमेंट एरर में आ जाएगा। या मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का आप जब मिस यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं, तो उसके कारण भी एरर प्रोड्यूस होगा। आप ज़्यादा मोबाइल को चलाते हैं तो क्या होता है, मोबाइल आपका हीट हो जाता है और हैंग करने लगता है, तो वही एक तरह से क्या हो गया, मिस यूज हो गया, तो मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट है लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पर ज़्यादा भार अगर पड़ जाएगा, ज़्यादा भार पड़ जाएगा फिर भी क्या हुआ, वो एरर प्रोड्यूस करेगा, लोडिंग इफेक्ट के कारण जो एरर प्रोड्यूस होगा। इन्वायरमेंटल एरर है, दीज एरर्स अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपका मैग्नेटिक फील्ड है आपके इन्वायरमेंट में, अब आप मैग्नेटिक कंपास से कोई रीडिंग ले रहे हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो वातावरण में रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल है, ह्यूमिडिटी है, ये वातावरण में जो है उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होगा, तो ये आपका इन्वायरमेंटल एरर में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशनल एरर में क्या है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटर, एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट को करता है, मे प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट व्हेन साउंड एंड लाइट मेजरमेंट आर इन्वॉल्व्ड। जब आपका साउंड और लाइट का ये प्रेजेंस रहता है तो डिफरेंट जितना भी एक्सपेरिमेंटर है उसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू आएगा। सिंस नो टू ऑब्जर्वर पोजेजेज द सेम फिजिकल रिस्पॉन्स, जो आपका दो ऑब्जर्वर है, सपोज कीजिए दो ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप में क्या होता है, सेम उसको साउंड और लाइट नहीं मिलता है, इसके कारण भी वेरिएशन आता है, तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर आ जाएगा। या इसी में पैरालैक्स एरर होता है, क्या होता है, पैरालैक्स एरर आपका ऑब्जर्वेशनल एरर में। सपोज कीजिए ये आपका रीडिंग यहाँ से लेना है, एक्चुअल रीडिंग यहाँ पर आएगा, लेकिन डिफ्लेक्शन के कारण, डिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, आपका आई जो है यहाँ ना देख के या तो ये पीछे थोड़ा देख लेता है या आगे देख लेता है, जो आपको पता भी नहीं चल पाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कारण जो एरर प्रोड्यूस होगा उसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है रेंडम एरर, नाम से ही क्लियर है, रेंडम मीन्स क्या, अचानक, एकाएक। रेंडम एरर्स आर दोज एरर हुज काउजेज कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ रेंडम वेरिएशन इन द पैरामीटर और द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। रेंडम एरर ऐसा एरर है जिसका जो है कारण को हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, जो किस वजह से हुआ, वो आपका पैरामीटर में कुछ वेरिएशन हो जाता है या सिस्टम में कुछ वेरिएशन आने के कारण एकाएक जो एरर प्रोड्यूस होता है, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है। या आप अदर उस शब्द में कह सकते हैं द हैपनिंग और डिस्टर्बेंस अबाउट विच वी आर अनअवेयर आर लंप टूगेदर आर कॉल्ड रेंडम एंड एरर काज ड्यू टू दीज हैपनिंग आर कॉल्ड रेंडम एरर। हैपनिंग और डिस्टर्बेंस अबाउट विच वी आर अनअवेयर, ऐसा हैपनिंग, ऐसा डिस्टर्बेंस जिसके बारे में हम लोग अनअवेयर है, हम लोग को पता नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको लंप्ड एक साथ टुगेदर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंडम। और इसके कारण जो रेंडम के कारण जो आपका एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग रेंडम एरर बोलते हैं। इसका काउज जो एस्टेब्लिश नहीं होता है, ये का एक एरर प्रोड्यूस होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ एरर देखे हैं। ये आपका VVI है, ये पूछता है आपको क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, व्हाट इज एरर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर पूछता है, इलेक्ट्रिकल वाले को भी पूछता है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी पूछता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।